भाई। हाँ तो गाइस ये है इस्कॉन टेम्पल, देख सकते हैं जैसे कि बहुत रश था गाइस, इसलिए मैंने हे गाइस हैप्पी जन्माष्टमी। और मैंने अभी अभी नहा लिया गाइस, पूजा करूँगा, पूजा करने के बाद फिर थोड़ा दुकान में काम है, दुकान जाऊँगा नाश्ता करके, उसके बाद फिर उसके बाद यार मेरा एक दोस्त है वो कह रहा है मिलने आ दो, काफ़ी दिन हो गए उससे मिला नहीं हो, तो उससे जाऊँगा मिलूँगा और कहीं प्लानिंग बनेगी तो घूमेंगे, वो भी दिखाएंगे, नहीं बनेगी तो नहीं दिखाएंगे, बने रहना, इंटरेस्टिंग होने वाली है ब्लॉग। आ रहे हैं इस्कॉन टेम्पल जो कि नेहरू प्लेस के पास है और हमारे साथ ये है, ये रहे हम। है भी नेहरू प्लेस कृष्णा लग रहा है ना गाइस, थोड़ा बहुत दुकान एंट्री करते समय वहां से भी ध्यान कितनी है गाइस, बारे की है क्या चीज है, गिफ्ट शॉप अंदर मंदिर के अंदर, बुक शॉप, गारमेंट सब चीज़ है मंदिर के अंदर। हाँ अब हो गई है एक्सिट, एक्सिट होते होते ये है भाई। हाँ तो गाइस ये है इस्कॉन टेम्पल, देख सकते हैं जैसे कि बहुत रश था गाइस, इसलिए मैंने तो गाइस आप लोग को मेरा टीली ब्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताना गाइस, और मैं क्या तो गाइस आज बना है घर पे चावल और ये है उसके क्या बोलते हैं केले के पकोड़े, ये देखो कितना टेस्टी है ग्रेवी के साथ।
गाइस हमारे घर के नीचे स्ट्रीट में भी बना रहे हैं जन्माष्टमी। ये देखो गाइस सब चीज का जुगाड़। ये देखो हमारे घर के नीचे दो दिन इस बार जन्माष्टमी पड़ा है, तो जन्माष्टमी का जो पहला दिन है वो हमारे घर के नीचे ही आप देख सकते हैं। हमारी स्ट्रीट में है गाइस, ये नीचे गली में। Who is this? कोई आया है लग रहा है इसको, मगर कोई नहीं है। Who is this? यूँ ये देख रहे हो 7 लीटर पेट्रोल बचे हैं, और जिसको पेट्रोल चाहिए वो प्लीज़ कृपया मुझे कांटेक्ट करें, सही रेट में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, दूंगा पेट्रोल। ये देखो 7 लीटर है अभी अपने पास। बेटा कोई नहीं है, गलत फहम में मत रहो, चलो सोने चौड़े में हमेशा सोती रहती है आजकल। तो दूसरी ऐसा दूसरी वॉक गोइंग फॉर वॉक नॉटी चद्दर है जहाँ कुछ जैसे शरारती करती तो हम बोलते हैं इसकी इधर आके बैठ, यहाँ भी बैठी शराब और इसकी हड्डी है, ये खेलते खेलते लग रहा नहीं पड़ गई यहाँ पे। पेंटिंग देख रहे हो मेरे दोस्त ने बनाई थी, कैसा है गाइस कमेंट करना। बुद्धा जी का भी मेरे दोस्त ने बनाया था, ये वो पेंट का वो करता है आर्ट में, तो वो आर्टिस्ट ये है। 2018 के बर्थडे की मेरे पापा की फोटो फ्रेम, ये रंग है मेरे पापा, मेरे पापा ये है छोटी बहन और पापा और ये बड़े सिस्टर। तो फाइनली गाइस मैं घर आ चुका हूँ, बहुत मतलब मौसम चिपचिप वाला था और लाइन 2 से 2.5 घंटे लगना पड़ा, जिससे मैं सर दर्द हो गया था। और हम गए थे दोपहर में, तो फिर भी हमने सोचा लाइन आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे, बाकी कृष्णा का स्पेशल, कृष्ण भगवान जी का स्पेशल था थोड़ा वहाँ पे, तो तभी लाइन में भीड़ थी, नहीं तो इतना भीड़ होता नहीं अदरवाइज़ कोई और दिन, जैसे जब फेस्टिवल नहीं होता ना तो कोई मतलब भीड़ इतना नहीं होता, तो आराम से बैठ सकते हैं। हमें तो वहाँ बैठने के लिए मिला नहीं मंदिर में, खाली दर्शन करते लाइन लाइन में, जैसे होता है ना लाइन टू लाइन चलते चलते दर्शन करो, बस यही था गाइस। और जितना हो सका मैंने आपको दिखाया, आई होप आपको पसंद आया, पसंद हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे कोई इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप आपको पसंद आया हो मेरा ब्लॉग, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और ये कमेंट करना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और बाकी शेयर कर देना जितना हो सके, बाकी नोटिफिकेशन ऑन कर देना सब्सक्राइब करके। आने वाले टाइम में इंटरेस्टिंग ब्लॉग आते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड।